हैं। मैं शाह अहमद परी कॉन्स्टिट्यूंसी कोऑर्डिनेटर नेशनल कॉन्फ्रेंस गांधरबल की तरफ से बोल रहा हूं। और जो ये वाका हुआ है गांधरबल में खेल के मैदान में, जहां डीडीसी अशरफ साहब थे और जिब्रान डार साहब थे, आपस में तू तू हुई और तू तू में जब वीडियो मैंने देखा तब अशरफ साहब ने उस पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। होना नहीं चाहिए था ऐसा। गांधरबल में जिब्रान डार एक मेहमान के तौर आए थे। साथ में मैं जिब्रान डार से कहना चाहता हूँ कि उसने अपने बयान में कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, डीडीसी है। मैं जिब्रान डार से कहना चाहता हूँ ये डीडीसी वाकुरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता नहीं रखता है, ये जेके मूवमेंट का डीडीसी है जिसके चेयरमैन शेख इश्फाक साहब है। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अपने इस बयान को तरदीद करे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम ना करे। आपको पॉलिटिकली जो भी कहना है सियासत साहब से कहे, लेकिन हमारे उमर साहब और डॉक्टर साहब के खिलाफ ऐसी कोई बात इल्ज़ाम ना दे जिसके पास आपके कोई सबूत ना हो। हम जनाब आपके खिलाफ कानूनी आप हमारे भाई हो, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब जल्द से जल्द इस वीडियो की तरदीद कर दे वरना हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देंगे। गांधरबल की नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप आए गांधरबल, हम आपको वेलकम करते, अपनी सियासत करें, लेकिन हमारे कोई आपको थप्पड़ मारेगा, अशरफ साहब जेके मूवमेंट से वाबस्ता रखते हैं, आप कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने किया, हमने आपके वेलकम करते हैं गांधरबल आने के लिए, लेकिन इल्जाम हम पे ना करें और आप जल्द से जल्द तरदीद करें इस वीडियो का कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, वरना हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया।